बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री में टेंथ चैप्टर के टॉपिक E1 E2 मैकेनिज्म को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने SN1 और SN2 मैकेनिज्म जो है उसको पढ़ा था। अब एलिमिनेशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जिसमें मॉलिक्यूल्स में से एटम्स जो हैं वो रिमूव होते हैं बाय द अटैकिंग ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल व्हिच एक्ट एज अ बेस। तो सबसे पहले इसके लिए मैं लेता हूँ नी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये आपके पास हो गया जी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, जिसमें एग्जाम्पल में हमने लिया है इथाइल ब्रोमाइड। इसमें हम डालेंगे अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहल और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारा जो बेस होगा, बेस वो स्पीशी होती है जिसके अंदर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो, यानी कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में यही फ़र्क होता है कि न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लेकिन जो बेस होता है उसमें प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब ये वाला जो बेस है ये इंटरेक्ट करेगा प्रोटॉन के साथ, ठीक है। जब प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो प्रोटॉन के साथ इसका बॉन्ड जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। ये आपके पास हाइड्रोजन और ये कार्बन, और उसके बाद ही ये आपके पास कार्बन हो गया और ये आपके पास ब्रोमो। अब होगा यूँ कि ये बेस जो है ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। एज अ रिज़ल्ट हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो कार्बन के साथ वीक होना शुरू हो जाएगा और इस कार्बन का दूसरी कार्बन के साथ बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा और कार्बन का लीविंग ग्रुप के साथ बॉन्ड वीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो तमाम चीज़ें एक ही स्टेप में जो हैं वो अकर होना शुरू हो जाएंगी कि बेस जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो कार्बन के साथ वीक होना शुरू हो जाएगा, कार्बन का दूसरी कार्बन के साथ बनना शुरू हो जाएगा और ब्रोमो का बॉन्ड जो है वो कार्बन के साथ वीक होना शुरू हो जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब ये हाइड्रोजन जो है वो बेस का हिस्सा बन जाएगा, कार्बन और कार्बन आपस में बना लेंगी क्या डबल बॉन्ड बना लेंगी और ब्रोमो जो है वो बीच में से अलग हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें, ये वाली अल्फ़ा कार्बन होगी और ये वाली होगी बीटा कार्बन, ठीक है। तो अल्फ़ा से हेलो ग्रुप जो है वो रिमूव होगा और बीटा से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो इस रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। या इसको हमने अल्कीन्स की प्रेपरेशन में पढ़ा था डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है। तो आपके पास क्या होगी है डी हाइड्रो हैलोजिनेशन जो है वो होगी है कि बीटा से हाइड्रोजन निकला है और अल्फा से ब्रोमो ग्रुप जो है वो रिमूव हो गया है, ठीक हो गया। तो अब चूंकि इसमें मॉलिक्यूल में से जो है वो हाइड्रोजन और हेलो ग्रुप रिमूव हुआ है, इसी वजह से इसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो कहते हैं। अच्छा, इस रिएक्शन में सिर्फ एक ही स्टेप है, इट इज़ अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर जी, अल्काइल हैलाइड के ऊपर और आपके बेस के ऊपर, ठीक है। अब इसमें इस रिएक्शन में एक ही स्टेप है तो यही स्टेप जो है इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं वो उसकी क्या हो जाती है, मॉलिक्यूलरिटी हो जाती है। तो इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कितनी हो गई, वो 2 हो गई है। ये एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट्स वाई इट इज़ सेड टू बी अ E2 मैकेनिज्म।
इसको E2 मैकेनिज्म जो है वो कहा जाता है, क्योंकि इस एलिमिनेशन रिएक्शन की जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी है वो क्या है, वो 2 है। अच्छा, अगर हम जो है वो ले लेते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड आपके पास आ गया जी CH3 टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। कोई पोलर सॉल्वेंट आप डाल देते हैं इसमें, तो पोलर सॉल्वेंट डाल के सबसे पहले इसकी हो जाएगी आयोनाइजेशन, ठीक है। आपके पास बनेगा एक कार्बोकेटाइन और ये ब्रोमो जो है वो अलहदा हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन इसको मैं ऐसे लिखता हूँ CI3 और ये CI3 पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें ऐसा होगा कि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद है, एक ऐसा ऑर्बिटल मौजूद है जो बिल्कुल क्या है, एम्प्टी है। वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेगा, एज अ रिजल्ट कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक कर देगी और ये वाला जो ऑर्बिटल होगा इसके पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके बना देगा डबल बॉन्ड CI3 और उसके बाद CI3 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, हाइड्रोजन जो बीच में से निकला वो बना देगा क्या, HBr बना देगा, ठीक है। तो ये वाला फास्ट रिएक्शन होता है और पहला स्टेप जो है वो क्या होता है, वो स्लो स्टेप जो है वो होता है, ठीक है। तो स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब इसके अंदर चूंकि एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है तो लिहाजा ये कहलाएगा E1 मैकेनिज्म, इसे हम क्या कहेंगे, E1 मैकेनिज्म जो है वो कहेंगे, क्योंकि इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी क्या है, वो 2 है। अच्छा, अब अगर हम बात करें इन दोनों के कंपटीशन की कि E1 और E2 मैकेनिज्म जो है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहली बात ये है कि जो E2 मैकेनिज्म है इट इज़ वन स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन, कि E2 मैकेनिज्म क्या है भी, वन स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन है इन विच बोथ दी एटम्स लीव सिमल्टेनियसली, कि अल्फा से हाइड्रोजन निकलता है और बीटा से जो है वो हेलो ग्रुप निकलता है, एट दी सेम टाइम वो दोनों एटम्स एलिमिनेट जो है वो हो जाते हैं। जबकि E1 की अगर हम बात करें तो E1 इज़ दी 2-स्टेप मैकेनिज्म, इसमें 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहले स्टेप में जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड होता है उसकी आयोनाइजेशन होती है और सेकंड स्टेप में जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और एलिमिनेशन होती है। जो फर्स्ट स्टेप है विच इज़ द आयोनाइजेशन ऑफ अ टर्शरी अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म द कार्बोकेटाइन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, और जो स्लो प्रोसेस होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो लिहाजा इसके अंदर सिर्फ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, 2-स्टेप मैकेनिज्म होगा और स्लो 1-स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल जो है वो इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी। दूसरा पॉइंट इसका ये हो गया कि 2 मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, के E2 मैकेनिज्म में 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, जबकि E1 मैकेनिज्म में एक ही स्टेप इन्वॉल्व होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, विच इज़ अ आयोनाइजेशन ऑफ अ टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो E2 जो रिएक्शन है इट इज़ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्विंग इन ओवरऑल रिएक्शन, वाइल E1 रिएक्शन, E1 मैकेनिज्म इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज 1 मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन E1 मैकेनिज्म। अगर हम बात करें E2 मैकेनिज्म की, E2 रिएक्शन की, इट इज़ एनालोगस टू SN2 टाइप रिएक्शन, ये बिल्कुल SN2 टाइप रिएक्शन की तरह का ही होता है E2 रिएक्शन, जबकि E1 जो है इट इज़ जस्ट लाइक दी
SN1 मैकेनिज्म। ठीक हो गया। तो ये हमने डिफरेंसेस पढ़े E1 और E2 मैकेनिज्म के, E1 मैकेनिज्म पढ़ा और E2 मैकेनिज्म पढ़ा। आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।